गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है ट्यूसडे, मंगलवार, और सुबह सुबह मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो 8:30 बजे मैं अपना ब्लैक टी पी रही हूँ, और उठ के पहले फ्रेशन अप हो गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं, और उसके बाद मैं अपना हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बैठा दी हूँ। तो आज जो मंगलवार है, तो आज जय मंगलवार का 3rd डे है, तो मैं पूजा करके पानी पीऊँगी। तो उससे पहले मैं ब्लैक टी ले रही हूँ, सिर्फ सिंपल ब्लैक टी। तो हस्बैंड के लिए चावल आलू बॉयल दे दी है, हस्बैंड खाएंगे। एक तरफ मैं वॉशिंग मशीन भी चला दी हूँ, सारे कपड़े पड़े थे सारे को वॉश करना है, और उसके बाद मैं यूटिलिटी का एरिया भी मैं अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, जो बासी काम रहता है सब कुछ हो गया है। और जो धोना फिना, ये वाला कबूतर पॉटी करके बहुत गंदा कर देते हैं, इसलिए इसको धोना पड़ता है डेली। और धूप देखिए कितना ज़्यादा आ गया है, 8:30 बजे इतना ज़्यादा धूप। इस तरफ बेटा सोया है, बट बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है। और अभी मैं ड्राई करने के लिए कपड़े को 2 बार अच्छे से मैं वॉश कर दी हूँ पानी में। उसके बाद ना वॉशिंग मशीन में ये क्या होता है ना, सारे कपड़े ना एक साथ ना जॉइंट हो जाते हैं, तो उसको एक एक करके हटा हटा के फिर ड्राई में देना पड़ता है। तो ऐसे मैं सिंपल जस्ट एक में देखे हल्का सा ड्राई कर लेती हूँ, ज़्यादा ड्राई नहीं करती। जैसे निचोड़ना होता है ना कपड़े को, तो कपड़ा निचोड़ना टाइप मैं एक में देखे इसको ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ में ना मैं निचोड़ नहीं सकती, मेरे हाथ में पेन भी करता है थोड़ा, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा निचोड़ लेती हूँ। बस बहुत सारा कपड़ा था, तो डेली वेयर का कपड़ा था ये ना, 2 दिन का कपड़ा था, 2 दिन का कपड़ा जमा हुआ था। और मैं एक बार ड्राई करने के बाद मैं सारे कपड़े को पसारने आ गई हूँ बाहर में, क्योंकि यही जगह में मुझे पसारना पड़ता है। तो मैं 3-4 बार करके पसारती हूँ, फिर उठाती हूँ, फिर पसारती हूँ, ऐसे करके करती हूँ। तो बेडशीट बहुत सारा था, सब फोल्ड कर करके मुझे पसारना होता है। तो ड्राई करने हो जाने के बाद मैं पसार दी हूँ, फिर और एक ड्राई में चढ़ा दी हूँ। इस तरफ मैं हस्बैंड के लिए आलू चोखा के लिए आज जीरा मिर्चा चौंक लगा रही हूँ, क्योंकि आज वेज है, प्याज नहीं दे सकते, लहसुन नहीं दे सकते, इसीलिए मिर्चा और जीरा का चौंक लगा के आलू चोखा बना रही हूँ। और कपड़े सारे को मैं अच्छे से पसार दी जितना मेरा दर जगह था, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको उठाने के बाद फिर पसारेंगे। तो और थोड़ा सा कपड़ा बाकी भी है, ये जो दूल्हा वाला कपड़ा, इसको पसारना है नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बब्बी का रूम क्लीन करने, क्योंकि रात को ना कल नहीं कर पाई थी, थक गई थी, इसीलिए वो तो अभी सोया हुआ है। तो इसीलिए मैं इस मौके में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, सारे खिलौनों को एक ही जगह में कर देती हूँ सेपरेट। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, हस्बैंड को खाना दे दूँगी, उसको नहाने जाऊँगी, उसको नहा के आके पूजा करके, तब तक 10-10:30 बज जाएगा, तो मम्मी कॉल करेगी पूजा हो गया बोल के, उसके बाद मैं जल पीऊँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो आज तो भैंस डे है, भैंस डे में ना थोड़ा सा काम लगता है कि फिर हल्का लगता है। जिस दिन भैंस डे नहीं होता है, नॉन वेज डे होता है, उस दिन बहुत ज़्यादा काम लगता है, मुझे मेरे ख्याल से ऐसा होता है। तो बैकग्राउंड में आपको हमेशा ही एक म्यूज़िक मिलेगा मेरा बेबी का, तो सोता नहीं है, जगे रहता है, तो उस साइड से साउंड करते ही रहता है, तो वो म्यूज़िक को मैं कभी बंद नहीं कर सकती, तो इसीलिए उसके साउंड से मुझे ओवरलैप करना पड़ता है। तो मैं ना सारे खिलौनों को इकट्ठा कर रही हूँ और देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कौन सा टूटा मोटा है, जो टूटा उटा होगा उसको छाड़ दे रही हूँ, बाकी सब अंदर में रख दे रही हूँ प्लास्टिक के अंदर में। तो बेटा का ना एक बड़ा सा प्लास्टिक दी हूँ उसके सारे इकट्ठे रखने के लिए, क्योंकि ना अलग अलग जगह में ना बहुत बार मैं रखने की कोशिश की हूँ, बट वो नहीं रखता है, वो ना एक ही जगह में मैं रखती हूँ, ताकि वो सारा प्लास्टिक को पलटी करके सारा फिर से फेंक देगा, तो ऐसे ही करता है। बट मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सजा लेती हूँ, ऐसा तो वो आके फिर उठ के फिर से सारा ख़राब कर देगा, बट तब पर भी ना बासी घर ऐसे फैला रहता है, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं हमेशा सजाते रहती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते तुम मत सजाओ, ऐसे ही रहने दो, वो तो आके फिर से बिखेर देगा, तब पर भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए झाड़ू पोछा का पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके फिर बेबी उठ के फिर इसको फैला देता है, तो सारा दिन ऐसा रहता है, फिर रात को मैं इसे क्लीन करती हूँ, ऐसे करके चलता है। तो जब तक वो नहीं समझेगा, नहीं अच्छा से समझने नहीं सकेगा, अपना चीज़ को अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा, तब तक तो ऐसे चलते ही रहेगा। तो कोई बात नहीं, ये भी एक टाइम है जो फ्यूचर में याद आएगा, यही सब मेमोरी रहेगा ये सब, तो इसीलिए ऐसे हो रहा है, कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, बुक्स सबको एक जगह में रख रही हूँ, और सारे जो खिलौने हैं उसको प्लास्टिक में रख दी हूँ, और सॉफ्ट टॉय को मैं इकट्ठे सजा के रख दूँगी, और बेडशीट को अच्छे से झाड़ दूँगी, झाड़ के सॉफ्ट टॉय को एक जगह में रख दूँगी, बाकी जो स्पेस है उसमें बेबी बैठ के खेलेगा।
उसके बाद मैं अच्छे से एक एक सामान को ना हटा हटा के ना मुझे झाड़ू देना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल आता है, बहुत ज़्यादा धूल। तो धूल को तो मैं रोक नहीं सकती, जितना भी मैं कोशिश करूँ नहीं रोक सकती, हमेशा ऐसे होते ही रहता है। तो सारे सामान को हटा हटा के मैं झाड़ू दे रही हूँ। झाड़ू के बाद फिर पोछा लगा दूँगी, और पोछा लगाने के बाद फिर से मैं चल जाऊँगी नहाने। तो बाहर का यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उसको भी अच्छे से झाड़ू पोछा लगाना है। और इस बीच में ना झाड़ू देते देते इस बीच में बेटा भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग, ओ मम्मा मम्मा मम्मा, गुड मॉर्निंग। तो घर मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, और अभी मैं जा रही हूँ शारले ने, शारले की पूजा करूँगी। तो आज मंगल चंडी का व्रत भी पढ़ना है मुझे, तो मंगल चंडी पूजा का व्रत पढ़ना है, मंगलवार है हनुमान चालीसा पढ़ना है, और जो नित्य पूजा होता है प्रणाम मंत्र रहता है वो सब मैं करती हूँ। तो पूजा अपने अपने अपना अपना बात है, जो जैसे करते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके फिर लंच बनाने आ जाऊँगी। तो लंच में आज बनाऊँगी मैं आलू परवल का सब्ज़ी, और रोटी तो बनाना है आज, थोड़ा सा ऑयल में सेक के पराठा टाइप बना लूँगी, आटा भी लगाना है, आटा लगा के रोटी पराठा बना लूँगी, और उसके साथ मैंगो भी कट कर लूँगी, तो हो जाएगा दोपहर का लंच। तो यही रहेगा आज का दोपहर का लंच में। और इस तरह बेटा उठने के बाद घर का क्या हालत किया है, चलिए आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो देखिए, बेटा उठने के बाद बेटा का फ्रेशनअप हो गया है, ब्रश वगैरह करने के बाद, पॉटी वगैरह हो जाने के बाद उसको ब्रेकफास्ट करा दी हूँ, उसको उसको शावर भी दे दी हूँ। शावर दे के वो रेडी होके अपना रूम को बिखेर रहा है, और अपने खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो देखिए किस तरीके सारा कुछ मैं जो सजाई थी ना, सारा कुछ बिखेर दिया है। तो सारे ब्लॉक्स को लेके इकट्ठा कर रहा है, फिर गाड़ी में डिक्की में रख रहा है, फिर वहाँ से निकाल रहा है। तो यही सब लेके उसका खेलना चल रहा है, तो उस चीज़ में इंगेज रहे, तब तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो बाकी जो लंच के बाद लंच बनाना है, लंच करना है, ये सब काम चल रहा है, तो उसका इंजॉयमेंट भी थोड़ा सा मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ। और उसके बाद लंच वंच करके थोड़ा सा आराम कर लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं हम शाम को। तो शाम की चाय मैं चढ़ाती हूँ, और इस तरफ मैं सारे कपड़े को उठाने के लिए आई हूँ, क्योंकि काफ़ी क्लाउडी वेदर आ गया है। शाम को देखिए कितना ज़्यादा बादल हो गया है, और काफ़ी धूल भी हो रहा है। तो मैं सारे कपड़े को मैं उठा ले रही हूँ, उसके बाद फोल्ड मैं बाद में करूँगी, क्योंकि कपड़े में धूल लग जाएगा, इसलिए सारे कपड़े को पहले उठा दे रही हूँ। उठाने के बाद मैं कॉम भी कर लूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:15, 7:15 बज रहा है, कितना ज़्यादा उजाला है आप देख ही सक रहे हैं। तो मैं कॉम कर लूँगी, कॉम करके फिर चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद तो दिया जलाते जलाते तो 8 बज जाता है, तो उसके बाद दिया भी जलाना है। क्लिप में देने के बाद भी ना ये उड़ जाता है, पता मेरा कितना सामान नीचे गिर गया है, तो क्लिप मुझे डबल क्लिप लगाना पड़ता है, इतना ज़्यादा एक एक टाइम हवा आता है ना, तो इसीलिए। तो सारे कपड़े को मैं लेके जाके रख दे रही हूँ जहाँ सारे सूखे कपड़े, एक चेयर पूरा मुटरी होके भर गया, इतना ज़्यादा कपड़ा मुझे फोल्ड करना होगा, और ये वाला काम ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है कपड़ा फोल्ड करना। तो देन मैं आ गई हूँ कॉम करने के लिए, और हेयर कॉम कर लेना है अभी, नहीं तो फिर से और नहीं होगा, भूल जाती हूँ मैं अभी नहीं करने से। तो कॉम करके एक बन बना लूँगी, और बन बना के फिर चाय पियेंगे हम। तो फ्रेंड्स, पता है आज ना सब्जी बना हुआ है, मतलब दोपहर को आलू पटल का सब्जी बनाई थी, तो उसको मैं रख दी हूँ। रात में सिर्फ आटा लगा के रखी हूँ चाय पीने के बाद, तो आटा लगाना हो गया है, तो फिर पराठा बनाऊँगी। तो अभी मैं आई हूँ, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 9:30 हो रहा है, तो हस्बैंड को खाना भी दे दिए हैं, बेबी को भी खाना खिला दिए हैं,
और थोड़ा सा मम्मी से भी बात कर लिए, क्योंकि मैं हेडफोन लगा के बात कर रही थी ना, तो सोची कि बात करते करते वीडियो होगा, बट नहीं हुआ तो फ़ोन काटना पड़ा। फ़ोन काट के फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे ना आज ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि ना ड्रेसिंग टेबल का जितना भी सामान मैं जो बैग में रखी थी कैरी बैग में, तो कैरी बैग में रखा हुआ था ना, सारा बेबी निकाल निकाल के सारा कुछ ख़राब कर दे रहा था। मेरा एक नेल पॉलिश को पूरा ख़राब कर दिया, उसके बाद रूम स्प्रे सारा को स्प्रे कर दे रहा रूम में, तो ऐसे करके बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए मैं सोची नहीं, आज जब सब्जी नहीं है बनाना तो जाके ये वाला काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह रहा था। दो दिन से ऐसे ही पड़ा था ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल नहीं ऑर्गेनाइज रहने से कुछ भी सामान मुझे मिल नहीं रहा है, तो दिक्कत हो रहा था। इसीलिए आ गई हूँ सजाने, और मेरे साथ मेरा बेबी भी मुझे हेल्प करने आ गया है। आप देख ही रहे हो कि वो हेल्प करना है, तो ना और मैं ऊपर वाला पोर्शन से था, तो वो एक एक चीज़ करके रख रहा है। रखने के बाद मेरे को बोल रहा है गुड गुड, मतलब मम्मी मेरे को गुड बोलो, मैं इसको रख दिया हूँ। और उसके बाद मेरे को क्लैप भी करने बोल रहा, बोला क्लैप करो गुड बोलो, मैं इसको सजा रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं भी उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, ताकि वो भी अप्रिशिएट होने से ना अच्छा लगेगा, वो भी सीखेगा दिन बाद में। तो थोड़ा बहुत कभी कभार आता है मुझे हेल्प करने, फिर ज़्यादातर क्या करता है बिखेर देता है, लेकिन कभी कभार आता है हेल्प करने के लिए। तो तब पर भी अभी छोटा है, देख देख के सीखेगा। तो मैं सारा सामान को ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज कर दी हूँ, जो मेरे नीड है हाथ के सामने चाहिए मैं उसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, बट जो चाहिए मुझे हाथ के सामने उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। और लिपस्टिक और नेल पॉलिश को मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि उसको मुझे एक बॉक्स में रख देना है, क्योंकि ना ऐसे पड़ा रहता ना तो बहुत ज़्यादा धूल लग जाता है, इसीलिए मैं बॉक्स में रख दूँगी। इधर पर आई हूँ बेटा का दूध रोटी भिंगोने, फिर ये रात का डिनर है उसका, वो ये डिनर करके सो जाएगा, उसके बाद मैं करूँगी। फाइनली ड्रेसिंग टेबल थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज की हूँ, बहुत अच्छे से नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, और मेरे साथ साथ मेरे बेबी भी मेरे साथ हेल्प किया, वो भी एक एक सामान करके रख रहा है अपने हिसाब से। और रखने के बाद ना गुड मुझे बोल रहा है कि गुड बोलना है, तो क्लैप करो और गुड बोलो, तो मैं क्लैप की और गुड बोली। तो ऐसे करके वो भी मेरे साथ काम में बहुत थोड़ा बहुत करके हेल्प करता है, बट ज़्यादातर बच्चा है ना, जब जो माइंड आता वही करता है, ज़्यादातर बिखेर देता है सारा कुछ। और जब अगर मन किया जो मम्मा का हेल्प करना है, तब जाके थोड़ा बहुत हेल्प करने आता है। तो अभी रात हो गया है, 10 बज रहा है, तो अभी दूध रोटी मैं भी हो दी हूँ, उसको दूध रोटी खिलाऊंगी, और दूध फल का सब्जी था परवल आलू का, तो सब्जी आज रात को पराठा बनाई, हस्बैंड खा लिए, अभी मैं खाऊंगी, और बेटा का दूध रोटी भिंगो दी हूँ उसको खिलाऊंगी। और ना दोपहर से सोया नहीं है, तो उसको खाना खिला देते हैं जल्दी से, अगर सुलाने जाए तो सो जाए, तो 11 तब पर भी 11 बजेगा उसको सुलाते सुलाते। तो ये वीडियो को एंड कर देती हूँ, सुबह से लेके मैं कंटिन्यू करूँ। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू अगर चैनल पे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।